यूपी के सहारनपुर जिले के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। बुधवार को वे लखनऊ आए और बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मायावती के साथ उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट कर उनका पार्टी में स्वागत किया है और उन्हें पश्चिम यूपी में बसपा संयोजक बनाने का ऐलान भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से ही खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बसपा में शामिल होने का फैसला लिया। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रयोग करने के लिए हम कांग्रेस छोड़कर सपा में आए थे वो पूरी तरह से असफल हुआ। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने सपा को खूब वोट दिया फिर भी सरकार नहीं बन पाई, ऐसे में अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है। बता दें कि इमरान मसूद उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुस्लिम चेहरा है। पश्चिम यूपी की सीटों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इमरान मसूद पहले कांग्रेस में थे, वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव के अलावा पार्टी के अन्य पदों पर भी रह चुके हैं। मसूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सुर्खियों में आए थे, जिसका वीडियो खूब वायरल भी हुआ था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस साल इमरान मसूद ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन उम्मीद के विपरीत उन्हें ना तो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया और ना ही विधान परिषद चुनाव में टिकट दिया गया। कहा जा रहा था कि पार्टी में इस तरह की अनदेखी से इमरान मसूद नाराज चल रहे हैं। उनका लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहना भी मुश्किल माना जा रहा था। आज आखिरकार उन्होंने लखनऊ पहुंचकर बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की और पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि इमरान मसूद ने सहारनपुर के साथ ही अपने करीबियों के लिए कई अन्य सीटों पर भी दावेदारी की है। ऐसे में निकाय चुनावों से पहले उनका बसपा में जाना मायावती के लिए बेहद अहम है और समाजवादी पार्टी के लिए बड़े झटके की तरह है। बसपा के साथ आकर इमरान मायावती के दलित मुस्लिम गठजोड़ को ही मजबूत करेंगे। खबरें तो ये भी हैं कि इमरान लोकसभा टिकट के लिए भी दावेदारी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।